आप दोनों के बारे में मजीद जानते हैं, आप दोनों को इधर एक दोनों को एक एक तरफ खड़े होना पड़ेगा। अच्छा। और ये हमारा सेगमेंट है गॉगल। ओके। गूगल नहीं, गॉगल। स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेस और इसमें ऑटो पे है, खुद ही सवाल करें आप, खुद ही जवाब दें, मैं एंजॉय करूंगी बस। खुद ही सवाल खुद ही जवाब आप एक एक उठाते रहेंगे ब्लॉक, तो कोई ना कोई सवाल आता है। ज़ारा नो, नहीं खोल लो ना, सरप्राइज थोड़ी ऐसे करना है। हाँ ऐसे अब पढ़ लो। ज़ारा और असद की लाइफ अगर एक दूसरे से स्विच कर दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? जो दूसरा उस जिंदगी में रहते हुए नहीं करता। चलो भाई, तो वो क्या एक काम करेंगे जो दूसरा? मैं तो सारा दिन चिल करना चाहूंगा। ये असद कह रहा है कि मैं सारा दिन आराम नहीं, अगर हम दोनों की लाइफ स्विच हो जाए तो कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? लाइक आप ज़ारा हैं, दूसरा जिंदगी में रहते हुए नहीं करता। हाँ, मैं सबसे पहले फ्लाइट बुक करा के लाहौर चला जाऊंगा और ज़ारा के माँ बाप को प्यार तो करता हूँ लेकिन उनके घर में एक रूम लेके सो जाऊंगा। नहीं करूंगा। हम तो ससुराल के घर का पानी भी नहीं पीते। हाँ, जवाब दे दो ना सर। वो वाले हैं ना, ये उर्दू स्पीकिंग वाले दिमाग सारे ऐसे होते हैं। हम तो ससुराल के घर का पानी भी नहीं पीते। हाँ, ये वो वाले ससुराल, लेकिन जब जाते हैं तो फिर गोश्त पूरा खाते हैं वहाँ पे। खाने में क्या है, इतना खिलाते हैं ये लोग। हाँ ना, पंजाब के लोग होते हैं एक्सप्रेसिव। मेरे भाइयों ने तो वो बनाते हैं ना, माई एल्डेस्ट वन एंड बाबा मिल के वो देग पे, जैसे ये लोग चढ़ा रहे हैं ना आटा, वो इतनी बड़ी देग है, वो रोश बनता है ओवरनाइट। तो वो इनको खिलाया, बेचारे इनको तो अगले दिन तबीयत खराब। इन लोग का प्योर गोश्त ना, इनके यहाँ बड़ा डिफरेंट चर्बियाँ और गोश्त, जबियाँ और पपियाँ, तो ये थोड़े ऐसे होते यार इजी हो जाए। चलो जी असद, तुम बताओ क्या करोगे भाई? हाँ, मैं तो बोल दिया मैं जाऊँगा लाहौर। लाहौर। और ज़ारा तुम क्या करोगी? मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। क्यों? देखा। हाँ भाई ज़ारा, अभी दो दिन बाद जाएंगे ना जब, तो सब ससुराल खड़ा होगा। हाँ। बात नहीं, और ये शो तो चांद रात पे चल रहा है, तो बड़े स्वीट लोग हैं, समझ जाते स्वीट लगे, स्वीट लोग हैं ना। अच्छा अच्छा लगा आपसे। तो ज़ारा कह रही है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। नहीं, लाहौर जाएगी। वैसे तो जाती है ना, तो ज़ारा क्या कह रही है? असद बन के बात। ज़ारा हो आप, तुम ज़ारा हो। ज़ारा क्या मतलब, लाइक ज़ारा क्या करेगी? असद की कौन सी चीज? असद नहीं, तुम ज़ारा बन के सोचो, तो ना कंफ्यूज हो गया। ज़ारा हो आप, ज़ारा बन जाओ, तो आप ऐसा क्या करोगे जो यूजुअली मैं नहीं करती? मैं तो लाहौर जाती हूँ। जो आप नहीं करती? हाँ, मैं कुकिंग, क्लीनिंग, रीडिंग। मैं कुकिंग, क्लीनिंग भी करती हूँ, रीडिंग भी करती हूँ। मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा रेगुलरली जाया करूँगा। हाँ, बहुत डंडियाँ मारती हैं। और ये खाने में भी इनको होता है कि ये क्या, और मुझे आई लव टू ईट, बट इनके साथ रह रहे कि मुझे समझ आ जाती है कि अब वक्त बदल रहा है। क्योंकि मैंने इनके अम्मी अब्बू को भी देखा है, वो भी फिट है, अदान से देखे भी फिट है, वो इनका मेटाबॉलिज्म है। ओके, माशाल्लाह, दे आर आल्सो ब्लेस्ड लाइक दैट, बट ही इज स्पेसिफिक, घर में और कोई नहीं है इस तरह, सिर्फ ये हैं। लेकिन मैंने अदान की एक बहन को देखा है, वो थोड़ी सी लाइक हैवी है, सब पतले पतले नहीं है। हुमा खाला, हाँ हाँ हाँ, सब पतले पतले नहीं है ये लोग, कुछ यहाँ पे हैं, जैसे इनकी जो बड़ी बहन है आपी, यू नो शी इज आल्सो हेल्दी, जो रिहाब है छोटी वाली, शी इज लाइक हिम, जो उनके भाई हैं उमर, ही इज लाइक हिम। मेरे घर में तो दो भाई हैं जो पतले हैं, लंबे हैं, 6-6 फुट, और एक भाई है जो मेरी तरह खाती पीती खानदान से नजर आता है। हाँ, जो तो ज़ारा ने भी जवाब दे दिया। चले जी, नेक्स्ट सवाल। ज़ारा और असद की टू-डू लिस्ट में एक एक ही उठाओ, एक अभी अगला टास्क क्या है? ओके, टू-डू लिस्ट में अगला टास्क क्या है? ज़ारा रसद की टू-डू लिस्ट में अगला टास्क क्या है, क्या करना है अगला? आई थिंक उमरा। सबसे पहले तो बहुत दिल है ये अगला वाला जो है, कोविड के बाद सबसे पहले है। हां, ये सबसे पहले है। हां, मतलब कि जैसी चीजें ईद के बाद नॉर्मल होती हैं, तो वी हैव टू गो। ग्रेट, इंशाल्लाह। हाँ जी, अगला सवाल।
ज़ारा और असद अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा रिवाइंड करना चाहते हैं? रिवाइंड करना चाहते हैं? ज़ारा और असद अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा? किसी टूर पे गए हो? I think दुबई ट्रिप। जब रिहाब और अतीक भी थे। भाईजान वगैरह के यहाँ जब हम गए थे। रिहाब और अतीक हाँ। I think एक फैमिली ट्रिप हमने किया था। New Year's का। तो अब्बा अम्मा की बर्थडे बेसिकली हमने दुबई में सेलिब्रेट। अब्बा अम्मा भी पूरी फैमिली साथ में। अब्बा अम्मा New Year's। अब्बू की बर्थडे होती है होती। अब्बू की बर्थडे होती है 31 December को और अम्मा की बर्थडे होती है 1 January को। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि उनकी बर्थडे और न्यू ईयर हम दुबई में करेंगे। तो फिर हम सब लोग पूरा उठ के खानदान गया था। वो यादगार आप लोगों का रहा और रिवाइंड करना। अल्लाह का शुक्र। वाओ ग्रेट। ओके नेक्स्ट। ज़ारा और असद की कौन सी आदत है जो एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है? बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। लाइक कौन सी ऐसी आदत है आपकी जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है? सोने की। कौन ज्यादा सोता है? ज़ारा। हाँ तभी तो उसकी स्किन इतनी चमकती है। इट्स ब्यूटी स्लीप बेबी, इट्स ब्यूटी स्लीप। सारे ब्यूटी जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स हैं वो यही करते हैं। मेरे घर में लाहौर में माशाल्लाह हम 2 बजे के बाद दिन शुरू करते हैं। जो मेरी भाभी हैं क्योंकि वो स्कूल जाती हैं बच्चों को पढ़ाती हैं उनके बच्चे हैं तो वो सुबह उठती हैं, बट जिनका काम नहीं है सुबह वो बस ठीक है ना दोपहर को उठे हैं आराम से चाय शाय पिए खाना खाए तो जल्दी उठ जाते हैं। आप सारे एक एक डिफरेंस तो ये हो गया कि आप अर्ली राइजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा भी मुझे नहीं उठाते नींद से और ये भी नहीं उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इस मामले में लकी हूँ। तभी हमारी स्किन अभी तक अच्छी चल रही शादी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या डिफरेंस है दोनों की आदत में? एक ये और आई थिंक ये गपोड़ी है थोड़ी आपसे ज्यादा। मैं थोड़ी ओवर शेयर कर देती हूँ चीजें। ये थोड़े इतनी शेयर नहीं करते असद। नहीं मैं नहीं है ना नहीं वैसे वो असद नहीं इतना जल्दी मैं लोगों से वो आदमी नहीं शेयर करते वैसे। ये असद की वो नहीं है आदमियों की क्वालिटी है आई गेस। नहीं करते वो थोड़े से गहरे होते हैं। हां ही इज डीप लाइक दैट। ये ज्यादा लेकिन ये लोगों को जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। अच्छा इस मामले में ज्यादा समझदारी दिखाते हैं किससे क्या बात करनी है कब कहाँ जाना है कब कहाँ से उठ जाना है। ओए होए मुझे अच्छा। ज़्यादा गए तो फिर अब गद्दे कहाँ है आपके घर में को गद्दा है? डाल ले हाँ हम तो इधर ही खाना खा के जाएंगे। सो ये मेरा ये प्रॉब्लम है। ओके आइए जी नेक्स्ट सवाल। ज़ारा और असद का आखिरी आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? आखिरी फड्डा छोटा मोटा ही सही। असद इज ऑलवेज लेट लाहौर जाने पे भी बट इज ऑल्सो ऑलवेज लेट। तैयारी में देर लगाते हैं मैं उठ रहा हूँ अच्छा भी कहीं जाना हो तो जब मैं तैयार होके फोटो शूट करवा के खड़ी होती हूँ तो कहते हैं 1 मिनट फिर जाके नहाएंगे कपड़े बदलेंगे फिर सब कहेंगे बाल बनाने के लिए जरा वह सालों से हो तो मेरा दिल करता है कि मैं क्यों इतनी तैयार हूँ। और हाँ लेकिन मेरा जल्दी हो जाता है मतलब मैं वेरी गुड कंपैरेटिवली फोटो शूट करा के वो तैयार है जाने के लिए और मैं बहुत जल्दी तैयार होता हूं। चलें 15 मिनट चाहिए उठने में आप जो टाइम लगाते हैं उसके फंडे हो जाते हैं। ही इज अ प्रोक्रास्टिनेटर। इनके अब्बा और मेरे अब्बा भी इसी बात पे कहते हैं कि ये जिस दिन वक्त पर अरे जाने के लिए यूजुअली भी असर यहां इनके घर में माशाल्लाह भी बड़ी जब भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो इनकी अम्मा ने कहा कि जो नमाज कज़ा पड़ता है ना तो अल्लाह मियाँ उससे नाराज़ होते हैं तो इनको पता है ये बात पता नहीं एंड में कोई नमाज असर जा रही थी तो उन्होंने कहा अच्छा अभी गई तो नहीं ना अभी बिल्कुल मगरिब से पहले उन्होंने कहा असर तो मैंने कहा अब आपको नहीं याद आ रहा कि अब आपको अम्मा अब्बा की बात याद नहीं आ रही जब हमारी बारी आती है उस पर आपको अम्मा अब्बा की बात याद हो जाए कि नहीं ज़ारा उठो नमाज पढ़ो बैठने नहीं देते नमाज ना पढ़ी हो तो जो अपनी नहीं अपनी मामले में जो है कजा पे कजा ऐसा तो नहीं असद अक्सर उस वक्त जब मैं शूट पे बिजी होता हूँ या कुछ ऐसा होता है तो वो कभी कभार होती है ऐसे हमेशा नहीं होती। अच्छा कौन एक दूसरे को कभी कभार हम जब किसी महफिल में बैठे होते हैं कभी मेरे मुंह से कुछ गड़बड़ निकल जाए तो यासिर जरा इशारे करते हैं कि क्या बोल रही हो और कभी मैं यासिर को कोनिया मारती हूँ कि सुने वो क्या क्या बोल रहे हो बहुत दूर स्टॉप कर ली छोड़ दो गॉसिप नहीं करो यार। मैं ही आज कौन कोनिया मारता है एक दूसरे को? अभी पिछले दिनों आप किसी से बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा बस करते हैं किसी से मजाक में लड़ने लग गए थे। ओहो नहीं नहीं वो लड़े नहीं वो लड़ाई अगले की शक्ल बन गई है तो
सच बात कर रहे थे और दोस्त है तो नहीं तो अगले ही शक्ल बन के मैंने कहा छोड़ दें उसको, बस ज्यादा तोनिया इधर से मारी जाती है उधर नहीं। मैं मेरे आखिरी सवाल रह गया आपके सवाल, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ज़ारा और असद से मिलने वाले फैंस अक्सर क्या सवाल करते हैं? हाँ भाई, अक्सर आपको कहीं मार्केट में या कहीं एक साथ देखा और फैंस मिल गए तो क्या सवाल होते हैं? आई थिंक तस्वीर खिंचवा लें, यही होता है। ये नहीं पूछते एक साथ कब आ रहे हैं ड्रामे में या कुछ ऐसा, या हम आपको साथ देखना चाहते हैं? हाँ होते हैं। क्यों नहीं काम करते आप लोग इकट्ठे, फड्डे हो जाते हैं? नहीं मेरे ख्याल में वो अपने चीजों में बिजी होती है, मैं अपनी चीजों में बिजी होता हूँ। कभी हमें एक दो स्क्रिप्ट साथ ऑफर की, बट हम वो वाला मोहब्बत वाला नहीं एंगल ज्यादा करना चाहते। कुछ डिफरेंट ऐसा हो जिसमें देखा जाए तो कन्वेंशनल ना हो, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल स्टोरी हो तो वी माइट डू इट टुगेदर, अदरवाइज अगर सेम चीज है तो उसमें But I think it's very comfortable to work with him. अच्छा। Because he barely says anything. अच्छा। तो जब कोई बहस ही नहीं कोई करेगा, किसी का तैयार होने का कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा कोई इशू है ही नहीं, तो आई थिंक वर्किंग एनवायरनमेंट मेरी इनके साथ हमेशा बहुत कंफर्टेबल। शादी के पहले आपने काम किया है? नहीं नहीं, शादी के बाद ही हमने किया है, दो दफा छलावा और ज़ेबाइश, ओके, एंड अभी एक उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।